नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से प्रबंध संपादक। मेरे शो राजनीति रसराय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव है। 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। 1996 के बाद से इस सीट पर सिर्फ सपा पार्टी का राज रहा है। सपा पार्टी के इस किले को ढहाने के लिए बीजेपी पार्टी ने कई बारी सेंधमारी की, लेकिन मुलायम सिंह यादव की रणनीति के चलते वो हर बारी फेल रही। इस सीट पर सपा पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। डिंपल यादव ने होशियारी दिखाते हुए अपने चाचा ससुर शिवपाल यादव को चुनावी प्रचार करने के लिए मना लिया है, और चाचा ससुर भी अब बहू की बात कैसे टाल सकते थे। लेकिन हाँ, एक शर्त पर। उन्होंने कहा, चाचा और भतीजे के बीच होने वाली लड़ाई में वो गवाह बने। अब इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ सपा पार्टी चुनाव लड़ेगी, वरना अगर शिवपाल यादव इस सीट पर चुनाव लड़ते तो सपा पार्टी को नुकसान हो सकता था और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता था। लेकिन अब यह चुनाव सपा बनाम बीजेपी हो चुका है और बीजेपी ने भी खूब तैयारी कर ली है इस सीट को अपने नाम करने के लिए। उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्रियों की चुनावी रैली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 28 नवंबर को चुनावी रैली करने पहुंच गए। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सिंह साके के लिए वोट की अपील की। दिलचस्प बात यह है कि करहल में इस समय अखिलेश यादव विधायक हैं और उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे। बस इस बात का फायदा उठाते हुए बीजेपी पार्टी ने इसको एक मौका की तरह देखा और पहुंच गए करहल में, ये कहने के लिए, करहल की मतदाताओं को एहसास दिलाने के लिए कि सपा पार्टी कभी भी करहल की मतदाताओं का भला नहीं चाहती। तो फिर वोट क्यों करें सपा पार्टी के लिए? सपा पार्टी के सामने इस सीट को हर हाल में जीतने की कोशिश करने के पीछे कई वजहें हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है मुलायम सिंह यादव की विरासत। समाजवादी पार्टी की जीत यूपी की राजनीति में भी गहरा असर डाल सकती है। सपा की जीत से साबित हो जाएगा कि यही पार्टी है जो प्रदेश में बीजेपी को टक्कर दे सकती है। साथ ही 2024 के लिए भी बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी ही यूपी में सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर बीजेपी इस सीट में कामयाब होती है तो यूपी की राजनीति में एक और किला टूट जाएगा। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का सबसे मजबूत किला अमेठी को बीजेपी जीत चुकी है। दोस्तों, ये थे मेरे कुछ सवाल और विचार। आपके सवाल क्या हैं इस मुद्दे को लेकर के, आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी के सदस्य बनें। अभी के लिए बस इतना ही। अगली बारी मैं फिर आऊंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।